युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। मौका बेशक हिंदुस्तान से बाहर का था, लेकिन लंदन की धरती से मोदी ने आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की बात कह दी थी। लंदन के वेस्टमिंस्टर में कार्यक्रम भारत की बात में मोदी ने आतंक के पनाहगारों और आतंक को अंजाम देने वालों को दो टूक कह दिया था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। तब शायद किसी को ये इल्म भी नहीं होगा कि कुछ ही महीनों बाद मोदी सरकार कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने रमजान के पवित्र महीने में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सेना से भी शांति के साथ पेश आने को कहा। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आतंकियों ने रमजान में सेना की शांति में अपने नापाक मंसूबों का जहर घोल दिया था और सेना के जाबाज जवान औरंगजेब के साथ पत्रकार सुजात बुखारी की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देते वक्त आतंकी शायद मोदी का वो भाषण नहीं याद रख पाए जब मोदी ने कहा था, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर प्रयास करने के वार होते हों तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। जम्मू में आतंकी बढ़ती पैठ को देखकर मोदी सरकार अब सहन करने की मूड में नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो जल्द ही आतंक के फन को कुचलने के लिए मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है।